एक ऐसा दिन है आज का जिसे कहा नहीं जाता, जिसे महसूस किया जाता है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। सत्य पिट सकता है लेकिन मिट नहीं सकता। पंचम काल में हर व्यक्ति दुकान पर सामान लेके बैठा है। कोई किराने का सामान लेके बैठा है, कोई सोने चांदी का सामान लेके बैठा है, कोई कपड़े का सामान लेके बैठा है, तो कोई सांसारिक सुविधाओं के सामान लेके बैठा है। सामान लेके बैठने वाला कोई पैसे वाला नहीं होता है। किराने वाले के दुकान पर किराने जैसा सामान है, कपड़े वाले के दुकान पर कपड़े वाला सामान है, सोने चांदी के दुकान पर सोने चांदी का सामान है। हर व्यक्ति सामान लेके बैठा है लेकिन हर इंसान पैसे वाला नहीं बनता है। पैसे वाला वही बनता है जो सामान के साथ झूठ बोलना सीख जाता है। वही इंसान पैसे वाला बन सकता है। याद रखना, माल के साथ साथ बोलना भी आना चाहिए। जिसे झूठ बोलना आता है वह मिट्टी को भी सोने के भाव में इस देता है, और जिसको झूठ बोलना नहीं आता उसको सोना भी कोई नहीं खरीदता है। ये पंचम काल है। आप टीवी पे जो भी विज्ञापन आता है, जो भी मूवी आती है, वो कभी अपने जीवन को रियल लाइफ की तरह नहीं जी सकते हैं। एक रियल लाइफ होती है और एक रियल लाइफ होती है। रियल लाइफ में जो दिखाया जाता है वो सब झूठ हुआ करता है। कितनी बार हीरो बनता है, कितने बार हीरो की शादी हो जाती है, कितने बार हीरो के बच्चे हो जाते हैं, ये सब रियल लाइफ है। और रियल लाइफ कभी सत्य नहीं हो सकती है। एक रियल लाइफ हुआ करती है जो संतों की तरह हुआ करती है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ करता है। एक बार जिनके हाथों में पीछे और कमंडल आ जाता है, वह फिर कभी अपने रूप को बदल नहीं सकता है। वह जीवन में तैयार कर सकता है। हम तो रोज अपनी जिंदगी को झूठा जी रहे हैं। एक बच्चा जब पैदा हुआ करता है उसको कोई नाम नहीं मिलता है। कहते बेटा हुआ है, बेटी हुई है। जन्म लेते ही उसके ऊपर झूठ का ठीकरा थोप दिया जाता है कि बेटा तू जैन है, तू हिंदू है, तू मुस्लिम है, तू सिख है, तू ईसाई है। लेकिन वह बेटा तो संसार में ना तो हिंदू बनने आया था, ना मुस्लिम बनने आया था, ना सिख बनने आया था, ना ईसाई बनने आया था, ना जैन बनने आया था। वह बेटा तो संसार में इस आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए आया था। लेकिन ये संसार है। जब बच्चा पैदा होता है उसे राजा बाबू कह के पुकारते हैं और कहते बेटा तू पैसे वाला बन, तुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, वकील बनना है, कलेक्टर बनना है। लेकिन आज तक कोई माता पिता बच्चे से ये नहीं कहते हैं कि बेटा तुझे सच्चा जैन बनना है। बातें आज के समय कौन सिखाता है, याद रखना। आज सुबह से बच्चे को मार मार के हम बस में बैठा देते हैं, लेकिन जहां पर सत्य है वहां पर कोई माता पिता नहीं कहते बेटा तू जाके पहले भगवान के दर्शन कर, यहीं पर ही सत्यता है। बाकी तो संसार झूठ के साथ चल रहा है। झूठ और मायाचारी के साथ इस संसार में झूठ ही बेचा जाता है। बेटा इसके बहकावे में कभी मत आना। लेकिन आज जो भी बच्चे सीख रहे हैं तो कोई स्लेट के समान होते हैं। इस कोई स्लेट पर आप गाली लिखना चाहो
तो गाने लिख सकते हो, इस होली स्लेट पर आप गीत लिखना चाहो तो गीत लिख सकते हो, इस बच्चों को आप राम भी बना सकते हो, इन बच्चों को आप रावण भी बना सकते हो, इन बच्चों को आप कंस भी बना सकते हो, इन बच्चों को आप कृष्ण भी बना सकते हो, इन बेटियों को आप सुपर खा भी बना सकते हो, इन बेटी को आप सीता भी बना सकते हो, इन बेटी को आप केकई भी बना सकते हो, और इन बेटियों को आप कौशल्या भी बना सकते हो। सब आपके ऊपर निर्भर हुआ करता है, याद रखना। एक माँ बच्चे को लेकर के घूमने बाजार में जाती है, बाजार जाते 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 उस बच्चे को एक पेन मिलता है। माँ से कहा, माँ एक बहुत अच्छा पेन मिला है। माँ ने कहा, बेटा जीवन में कभी भी जमीन पर पड़ी हुई चीजें मत उठाना, जो जीवन में जमीन पर पड़ी हुई चीजें उठाया करता है उसे बहुत पाप लगता है और पाप करने वाला नरक गति में जाता है। उस बच्चे ने कान पकड़ के कहा, मम्मी आज मैं नियम लेता हूँ, जीवन में कभी भी जमीन पर पड़ी हुई चीजें नहीं उठाऊंगा। वह बात बच्चे ने अपने दिमाग पर नोट कर ली। नोट करने के बाद रविवार को मम्मी पापा बच्चे के सामने चौपाटी घूमने जा रहे थे और मम्मी ऊंची अड़ी की सैंडल पहन करके जा रही थी, पापा आगे आगे रह गए, बेटा बीच में मम्मी पीछे पीछे रह गई, मम्मी का पैर फिसल जाता है और मम्मी गटर में गिर जाती है और आवाज लगाती, बेटा मुझे बाहर निकाल, पर मम्मी नहीं। माँ चिल्ला रही, बेटा बाहर निकाल, बोले मम्मी नहीं निकालूंगा, बोले क्यों नहीं निकालेगा, बोले मम्मी आपने तो बताया था कि जीवन में कभी भी जमीन पर पड़ी हुई चीजें नहीं तो कहा जाना पड़ेगा। मम्मी आप जाओ तो जाओ, लेकिन हम नरक में। जैसा आप सिखाओगे बच्चे वैसा ही सिखाया करते हैं। आज कोरोना काल के बाद ना जाने लोग कितने कर्जे में डूब गए। मांगने वालों की भीड़ लगी रहती है, कोई ना कोई घर पे आता है, फोन लगाता है, भैया मुझे कुछ चाहिए, कुछ तो पैसा दो उधार। एक व्यक्ति बड़ा परेशान होकर गाँव चला गया। उसने सोचा क्या करें, मुंबई कब तक रह पाएंगे, फोन पर फोन आते हैं, गांव चला गया। लेकिन जिसको पैसा लेना है वो तो गांव भी जाता है। वह गांव पहुंचा, पता चला जिसको पैसा देना था, बच्चे से कहा, बेटा देख काम आज तुझे करना पड़ेगा, मैं बहुत परेशान हूँ। बेटे ने कहा, क्या काम करना पड़ेगा? कहा पिताजी ने, बेटा घर में कोई भी मेहमान आए ये कहना कि पापा घर पर नहीं है। बेटे ने कहा, ठीक है इतना बोलूंगा, क्या दोगे? कुछ नहीं बेटा, 5 रुपये दूंगा। बच्चा खुश हो गया, चलो 5 रुपये तो मिलेंगे। तो 5 रुपये के लालच में बच्चा गेट के बाहर जाके बैठ गया, पापा अंदर बैठे। शहर के लोग पहुंचते हैं, गांव जाके पूछते, भैया बेटा पापा कहाँ पर हैं? बोले आप कौन है? बोले बाहर से आए हैं, पापा से मिलने के लिए आए हैं, बहुत खुशखबरी देने आए हैं। तो बच्चे ने कहा कि बस पापा तो घर पर नहीं है। अब गाँव वालों ने सोचा, कोई बात नहीं, पापा तो घर पे नहीं है, लेकिन बेटा इतना तो बताओ कि पापा कब आएंगे? बच्चा सिर पे हाथ बजाता है। बच्चे ने कहा, सोचा होगा कि पापा ने इतना ही तो बोला था कि पापा घर पर नहीं है। अब सामने वाले ने पूछा कि पापा घर पर कब आएंगे? वह बच्चा कहता है, 1 मिनट रुकिए, अभी मैं पापा से पूछ के बताता हूँ। कोई स्लेट के समान बच्चे हुआ करते, याद रखना। जो देखते हैं वही सीख जाया करते हैं। जो संसार में चल रहा है वो संस्कार आपके बच्चों में अपने आप पड़ जाया करते हैं। याद रखना, किराने के बच्चा जब किराने की दुकान पर बैठता है तो वह किराने की पूरी जानकारी सीख लेता है। मेडिकल की दुकान पर बैठता है, मेडिकल की पूरी जानकारी सीख लेता है। कपड़े की दुकान पर बैठता है तो कपड़े की पूरी जानकारी सीख लेता है। वही बच्चा जब भगवान के दरबार पर बैठता है वह भगवान की पूरी जानकारी अपने आप प्राप्त करने करता है। याद रखना, सारी दुनिया आज राजा हरिश्चंद्र को याद करती है। राजा हरिश्चंद्र, स्वर्ग के देवों ने उसकी ऐसी परीक्षा ली, उसका बच्चा मरा हुआ पड़ा, पत्नी मरे हुए बच्चे को हाथ पे लिए शमशान में खड़ी है। और उधर राजा हरिश्चंद्र कहता है, मैं इस बच्चे को दफनाने नहीं दूंगा। बोले क्यों? इसका टैक्स चाहिए, खुद का बच्चा। पत्नी खड़ी हो रही है, संसार छोड़ चुका है बच्चा। लेकिन उधर राजा हरिश्चंद्र
अपने बच्चे को दफनाने का भी टैक्स मांगता है, वह पत्नी दे नहीं पाती है। उसी समय स्वर्ग का देव सामने आके खड़ा हो जाता है, कहता है, हरिश्चंद्र आज मुझे पता चला इस दुनिया में भी सत्यवादी हुआ करते हैं, और आने वाले समय में जब तक तेरा नाम रहेगा तेरा नाम सत्यवादी हरिश्चंद्र के नाम से जाना जाएगा। आज महात्मा गांधी ने जीवन में क्या क्या नहीं देखा, कितने परेशानी के सामने महात्मा गांधी को करना पड़े, लेकिन जो सिद्धांत महात्मा गांधी ने अपनाए थे, महावीर स्वामी का अहिंसा सत्य अचोर ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का जो सिद्धांत अपनाया था, उस सिद्धांत की बदौलत महात्मा गांधी ने भारत देश को आजाद करा दिया। एक महात्मा गांधी ने जब पांच सिद्धांतों को अपनाया, देश को आजाद करा दिया। जैन आचार्य कहते हैं जो पांच सिद्धांतों को अपने अंदर उतार लिया करता है उसकी देह भी आजाद हो जाया करती है, आत्मा स्वतंत्र हो जाया करती है, ऐसे तिसला की यात्रा कर जाया करती है। एक पंचम काल है, और एक बात हमेशा याद रखना, जो आपके सामने आपकी चापलूसी करे उससे आप सावधान रहना, चापलूसों से सावधान। आज जो तुम्हारी तारीफ कर रहा है तो कल बुराई भी कर सकता है, इसलिए तारीफ कर रहा है क्योंकि उसे तुमसे कुछ ना कुछ जरूर काम होगा, और काम नहीं होने के बाद फिर वही व्यक्ति आपकी बुराई करना प्रारंभ करता है। और एक बात जीवन में हमेशा याद रखना, डॉक्टर से कभी झूठ मत बोलो, डॉक्टर से झूठ बोलोगे आपकी बीमारी कभी दूर नहीं हो सकती है। आप अपने जीवन में कभी मास्टर से झूठ नहीं बोलना, मास्टर से झूठ बोलोगे तो आप जीवन में कभी अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाओगे, और कभी सम्राट से झूठ नहीं बोलना, सम्राट से झूठ बोला झूठ पकड़ा गया आपको फांसी की सजा हो जाएगी, और संत से कभी झूठ नहीं बोलना, संत के सामने यदि सच बोल दोगे तो संत तुम्हें अरियंत भगवान से मिला देगा, आपके जीवन का कल्याण कर देगा। ये पंचम काल है, याद रखना। लेकिन आज संगीत का कभी सच नहीं बोलते, भजन गाते हैं, हे गुरुवार तेरा चरण चेला बनू मैं, ना जाने कितने साधु के सामने गाता होगा चेला बनू मैं, आज तक चेला नहीं बन पाया, कार्यक्रम सचिन जिस मंच पे जाते हैं उसी आचार्य के गुड़ खाते हैं, हमारे पंडित जी यहाँ तो अच्छे पंडित जी हैं, हमारे पंडित जी जहां जहां प्रतिष्ठा कराने जाते हैं और प्रतिष्ठा में ऐसे गुड़ खाते हैं, ऐसे तपस्वी आचार्य पहली बार देखे, क्योंकि मालूम है ज्यादा गुड़ गाएंगे तो ज्यादा दक्षिणा मिलेगी। ये कभी सच नहीं बोलते, इनकी बातों पर कभी भरोसा मत कर लेना, ऐसे ऐसे भजन गाते हैं, तुमसे लागी लगन, कोई लागी लगन नहीं है, जब तक दक्षिणा नहीं आए तब तक लागी लगन, दक्षिणा मिलता ही भैया महावीर से अगले बार फिर देखना, कभी सच नहीं बोल सकते यार, कहां कहां किसके गुण गाए, यदि हमारे मंच पर दूसरे आचार्य का गुण गाए तो आचार्य भड़क जाए, मेरे मंच पर दूसरे आचार्य का नाम लेना, पंचम काल है, किस पर भरोसा करें। आप लोग पूजन भी करते हो, यहाँ पर भी आप कितना झूठ बोलते हो, आरती करते समय बोलते हो सोने का दीप कबूर की बाती, अब काय का दीपक है देख लो, भगवान भी सब देख रहे हो, बेटा क्या कर रहे हो, स्टील का दीपक, सोचिए विचार करो कहाँ सच है तुम्हारा। हम पूजन करते करते क्या क्या चढ़ाते हैं, यहाँ कहते काम पाण विध्वंसना पुष्पद्र पांति स्वाहा, वही पीले चावल ले क्या जाते हैं, सोचिए विचार कीजिए। आप नैवेद्य चढ़ाते समय बोलते हैं प्रभु छुदा उपनाशन नैवेद्र पांति स्वाहा, वो चिटक लेके आते हो, आज तक मैं जान नहीं पाया कि हम अक्षत तो अखंड चढ़ाते हैं, पुष्प अखंड चढ़ाते हैं, दीपक अखंड चढ़ाते हैं, धूप अखंड चढ़ाते हैं, फल भी अखंड चढ़ाते हैं, लेकिन नैवेद्य के कितने खंड खंड करते हैं, सोचो
पहले के समय हम लोग नैवेद्य चढ़ाते थे, इसके पुण्य के प्रभाव से हमको भी नैवेद्य चढ़ाने का मौका मिलता था। आज हम भगवान को शुगर फ्री चढ़ाते हैं, भगवान भी कहते हैं बेटा तू भी जीवन भर शुगर फ्री रहना, जैसा तूने चढ़ाया है वैसा फल हमें प्राप्त होगा। सोचिए हम भगवान के मंदिर में जाके नमोकार सुना के आ जाते हैं। जब मेरा राजस्थान प्रवास हुआ, लोहारिया पहुंचा, एक महिला छोटे से बच्चे को लेके आए, बोले महाराज जी मैं ढूंढ में आई हूँ, छोटे से बच्चे को लेके आई हूँ, इसको आशीर्वाद दो। माँ ने कहा बेटा महाराज को धोक दो। पहली बार उसने सुना धोक दो, रोने लगा, नहीं मम्मी मैं नहीं दूंगा। माँ ने एक चाटा मारा, बोले महाराज को ढोक दे, उसने को ठोक दिया। मैंने क्यों रे तुमने हाथ क्यों उठाया, बोले मम्मी बार बार बोल रही है महाराज को ठोक दो ठोक दो ठोक दो। माँ मुझे ठोक रही थी, मैंने कहा आपको ठोक दूं। याद रखना जीवन में बच्चों को बोलने से बच्चे नहीं सुनते, बच्चों के साथ जैसी हम क्रिया करते हैं बच्चे वैसी प्रतिक्रिया करते हैं। यदि माँ धोक बोलते बोलते धोक देना प्रारंभ कर देती तो माँ को देख के बच्चा अपने आप धोक देना प्रारंभ कर देता। जैसा हम सिखाते हैं बच्चे वैसे सिंचाई करते हैं। ये पंचम काल है, इस पंचम काल में उत्तम सत्य एकमात्र साधु के पास ही देखने को मिल सकता है। इस संसार में जैन आचार्य कहते हैं 10 प्रकार का सत्य होता है। नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती कहते हैं 10 प्रकार का सत्य, एक होता जनपद सत्य। जनपद सत्य में जैसे आप महाराष्ट्र में आए हैं, महाराष्ट्र में लड़के को बोला जाता है मूला मूली मुर्गा मुर्गी। यदि आप गुजरात में जाते हैं तो गुजरात में दिकरा दिकरी बोला जाता है। विदेश में जाते हैं तो बॉयस गर्ल्स बोला जाता है। इधर आप जाएंगे कर्नाटक तरफ जाएंगे तो वहां पर आपको और कुछ बोलने को सुनने को मिलेगा, अलग अलग तरीके से अलग अलग बोलने की परंपरा हुआ करती है। इसको जनपद सत्य कहते हैं। कहीं पर चावल बोला जाता है, कहीं पर चोखा बोला जाता है, कहीं पर आयस बोला जाता है, इसको कहते हैं जनपद सत्य हुआ करता है। एक सत्य का नाम होता है सम्मति सत्य। लोक व्यवहार की अपेक्षा से राजा की पत्नी को रानी कहना ये सम्मति सत्य हुआ करता है। एक स्थापर सत्य हुआ करता है। किसी पाषाण में कहना ये आदिनाथ भगवान है, किसी गोटी में कहना ये राजा है, ये वजीर है, ये घोड़ा है, ये पैदल है, तो शतरंज की जो गोटियां बनाई जाती हैं स्थापना सत्य के हिसाब से बनाई जाती है। एक होता नाम सत्य, गुणों की अपेक्षा ना करके ऐसे ही नाम रख देना पारस रोशन महावीर।